अगर पति पत्नी के बीच नहीं है प्रेम या पाना चाहते हैं किसी का प्यार, तो कराइए गौरी शंकर रुद्राभिषेक। कोई अपना या आप थक चुके हैं असाध्य रोग से, कराइए महामृत्युंजय अभिषेक। बच्चों की उन्नति ना होने से परेशान है तो गणेश अथर्वशीष के 108 पाठों का अभिषेक कराइए, क्योंकि इस सावन होगा घर बैठे आपकी हर समस्या का समाधान। सारथी धाम द्वारा अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9983334060 पर। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करने का पर्व, माँ पार्वती और शिव जी के पुनः मिलन का पर्व। ये एक वो दिन है जिस दिन हमारे बाके बिहारी सोने के झूले में विराजमान होते हैं और उनके दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने। ये वो दिन है जब नंदगांव से राधा रानी बरसाने आती हैं। ये ऐसी परंपराएं हैं, ये ऐसा पर्व है जब प्रकृति अपने आप में प्रफुल्लित होती है, खुश होती है और हमें भी खुश होने का वरदान देती है। हरियाली तीज पर प्रत्येक स्त्री पूर्ण तरीके से 16 श्रृंगार से सुशोभित होकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। मायके से लड़कियों के लिए नाना प्रकार से श्रृंगार की सामग्रियां आती हैं। हमारे राजस्थान में तो घेवर बहुत आज के दिन प्रचलित है और हर लड़की के घर में उसके मायके से घेवर जरूर भेजा जाता है। आज के दिन माँ गौरा के ऊपर भी 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। माँ को आज नाना प्रकार की चीजों से सुसज्जित किया जाता है, माँ को भोग लगाया जाता है और माँ से सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज के दिन माँ गौरा का पूजन करके अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए सुहागन स्त्रियां उन्हें चूड़ियां, चुन्नी, मेहंदी, बिंदी, बिछिया ये सब कुछ चढ़ाती हैं। आज के दिन ब्राह्मण स्त्रियों को भी सुहाग का सम्मान देकर अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीष लिया जाता है। कुछ घरों में परंपराएं हैं कि आज के दिन सुहाग का पूरा सामान सास को या ननद को दिया जाता है और उनके चरण स्पर्श करके उनसे अपने पति के लिए और अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज के दिन महिलाएं अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ कथाएं सुनती हैं, झूला झूलती हैं, सजती हैं, सवरती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और सबको दिखाती हैं कि देखिए मेरी मेहंदी ज़्यादा रंगी है, इसका मतलब मेरे पति मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने अपने तरीके हैं त्योहारों को मनाने के लिए, आप जैसे भी मनाएं आपको बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी आपके जीवन में ये खुशियाँ हमेशा बना के रखें। ये त्यौहार केवल एक दिन का ना रहकर पूरी जिंदगी का आपके लिए बन जाए, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान आप इस दिन पर जरूर रखेंगी, रखेंगी ना, मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। हरियाली तीज पर सफेद और काले रंग के कपड़े बिल्कुल मत पहनिएगा। हरियाली तीज पर ज्यादा से ज्यादा अपने से बड़ी उम्र की और अपने से बड़े रिश्ते की स्त्रियों के चरण स्पर्श जरूर करिएगा। जितना आशीर्वाद ले सकती हैं ना, लेके रख लीजिए अपने पास, आपको इससे हमेशा फायदा ही होगा। आपकी सास से, ननद से अगर आपको मिल जाए तो थोड़े से चावल और एक सिक्का अपने पास लेकर पीले कपड़े में बांधकर हल्दी की गांठ के साथ जरूर रख लीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और आपके घर के अंदर हमेशा बरकत रहती है। आज के दिन जिन भी लड़कियों का नव विवाह हुआ है, मतलब एकदम न्यूली मैरिड है, उनकी पहली हरियाली तीज है, उन्हें अपने मायके से 7 पान के पत्ते के ऊपर 1 सुपारी
रखवा कर ज़रूर मंगा लेनी है। और ये सारी चीज़ों के साथ थोड़ा सा सिंदूर लगाकर आपको माँ गौरा को भेंट कर देना है। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम हमेशा बना रहता है। हरियाली तीज पर आपको, हमारे राजस्थान में तो वैसे लहरिया पहना जाता है, लेकिन आपको आज के दिन गुलाबी या हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाब का इत्र जरूर लगाना चाहिए। अपने पति के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगवाइए। हर सुहागन ये चाहती है कि उसका पति सिर्फ उससे प्यार करे। अगर आप भी ऐसा चाहती हैं तो साथ में मिलकर खीर का भोग माँ पार्वती जी को और शिव जी को जरूर चढ़ाइए। आज के दिन माँ पार्वती जी के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के साथ में उनका श्रृंगार जरूर कराइए। आज के दिन गणेश जी को अगर आप दो लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो ऐसा करने से भी आपके जीवन में सुख हमेशा बना रहता है। हरियाली तीज प्रकृति का वो एक ऐसा पर्व है जब आपको चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन बिल्कुल भी अपने मुंह से किसी के लिए बुरा मत कहिएगा, किसी के लिए बुरा मत सोचिएगा। अच्छे पुण्य करने की कोशिश करिएगा, पूरे दिन खुश रहिएगा, दुख में बिल्कुल मत बैठिएगा, रोइएगा बिल्कुल भी मत। घर के अंदर त्यौहार है तो उसे त्यौहार की तरह मनाइएगा। घर की साफ सफाई अच्छे से करिएगा, अपने मंदिर को अच्छे से सजाइएगा। आज के दिन अपने घर के मंदिर में बैठे देवी देवताओं का अच्छे से पूजन करिएगा। अपने पति के साथ थोड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम निकालिएगा और हमें भी अपने प्यार भरे पलों के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है तो आप सावन में गौरी रुद्र अभिषेक कराइए। साथ में आप इनका पूजन कर अपने घर गृहस्थी में, अपने जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी करिए। कहते हैं कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। अगर आपको या आपके घर में किसी अपने को असाध्य रोग ने घेर रखा है तो आप सावन में भोलेनाथ का महामृत्युंजय अभिषेक करवाइए। और अपने घर में या आपके जीवन में अगर ये रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है तो इससे हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। महामृत्युंजय अभिषेक महामृत्युंजय मंदिर में किया जाएगा जो भारत में एकमात्र जगह पर है। आप भी अगर अपने प्रेम को लेकर बहुत दुखी हैं, कोई छोड़कर चला गया है, उसे वापस बुलाना चाहते हैं, या आपके जीवन में प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं, कोई भी प्रेम संबंधी दिक्कत है, तो आप सावन में गौरी शंकर अभिषेक कराइए। आपके बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चों की उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी न किसी वजह से उनके जीवन में अड़चने आ रही हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम सक्सेस नहीं हो पा रहे या गवर्नमेंट जॉब में तकलीफ में आ रही हैं, घर बैठे अपनी इन समस्याओं का समाधान पाइए। सावन में गणेश जी का आप अभिषेक करवाइए। गणेश अथर्वशीष के 108 पाठों से अभिषेक कराकर अपनी इन समस्याओं से निदान पाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, हमसे संपर्क करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत पाइए। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं।
साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। मातृशिला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही है। आप अपनी सारथी मातृशिला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।